वेलकम टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम देखेंगे कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ दी हुई है या कोई भी फ्यूचर प्रोजेक्शन निकालना है तो उसको दो मेथड से कैसे कर सकते हैं। एक तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हर ईयर के एंड के लिए, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हम एक ग्रोथ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। आज का क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1 लाख विच इज इंक्रीजिंग स्टेडिली एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, ऑल्सो फाइंड द राइज इन पॉपुलेशन एंड परसेंटेज इंक्रीज। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, इनिशियल पॉपुलेशन 1 लाख दी हुई है, रेट ऑफ ग्रोथ 5%। द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल पॉपुलेशन यानी 1 लाख प्लस 5% ऑफ 1 लाख। देखिए 1 लाख तो ऑलरेडी दी हुई थी और 5% इसमें ऐड करना है क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ है 5% पर ईयर। इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद 1 लाख प्लस 2 जीरोस कैंसिल, 5000। देखिए आफ्टर कैलकुलेशन 1 लाख प्लस 5000 यानी 1,05,000, ये हुई एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की, यानी ग्रोथ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब लेंगे ग्रोथ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो 1 लाख ना होके अब होगी 1,05,000, यानी सेकेंड ईयर के शुरुआत की पॉपुलेशन है 1,05,000। अब यही सेम चीज यहां पर दोबारा करेंगे विथ 1,05,000 एज द इनिशियल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इसका मतलब पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर यानी 1,05,000। फिर से रेट ऑफ ग्रोथ है 5% इस साल भी। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर निकालने के लिए 1,05,000 यानी इनिशियल पॉपुलेशन प्लस 5% ऑफ 1,05,000। कैलकुलेशन के बाद ये देखें 1,10,250, तो ये इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है जब आपको दो बार कैलकुलेट करना पड़ता है 5% इंक्रीमेंट अगर ग्रोथ का दिया हुआ है तब। अगर इसी तरीके से इसी प्रॉब्लम को हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से यूज करके करेंगे तो देखिए कितना सिंप्लीफाई हो जाता है। अब देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के एक ही कैलकुलेशन में निकाल सकते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर n या t। p प्रिंसिपल, t टाइम पीरियड, r रेट ऑफ इंटरेस्ट, a अमाउंट, ये हम पहले वाले पार्ट्स में कर चुके हैं। आज हम इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम पी को 1 लाख लें यानी इनिशियल पॉपुलेशन, आर 5% और टी या एम 2 ईयर्स यानी टाइम पीरियड 2 ईयर्स। अब इस वैल्यूज को हम डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल देंगे। इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डालने के बाद आप देखिए पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, पॉपुलेशन इनिशियल 1 + 5/100 टू द पावर 2 यानी टाइम पीरियड। अब इन सारी वैल्यूज को डालने के बाद आपको फिर वही वैल्यू मिलेगी और सिर्फ एक कैलकुलेशन में आपको ये पूरा मिल जाएगा। अब टोटल राइज इन पॉपुलेशन अगर निकालना है तो आपको पुरानी पॉपुलेशन से माइनस करना होगा। टोटल राइज इन पॉपुलेशन विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ द राइज पॉपुलेशन, यानी इतना जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है और जो इनिशियल पॉपुलेशन थी, यानी 10,250 मेरे को राइज मिल रहा है पॉपुलेशन का, क्योंकि अभी 1,10,250 है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर और ओरिजिनल थी 1 लाख। इसका परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला, न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये फॉर्मूला लगाने के बाद 10,250 यानी न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल, दैट गिव्स मी 10.25%,
यानी 10.25% का इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में, ग्रोथ आपकी 5% थी पर ईयर, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 5+5 10 नहीं होके 10.25 है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग हो रही है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम कंपाउंड इंटरेस्ट की और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे, सो स्टे ट्यून। होप यू आर लाइकिंग ऑल आवर वीडियोस, सो सेंड इन योर सजेशंस एंड क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द वीडियोस ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश, and don't forget to subscribe the channel Ideainfini.